सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ा फाटक में जागृति महिला समिति मंच के द्वारा फर्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक बालिकाओं को सुरक्षा के गुण से खाएंगे और गढ़ा फाटक से जागृति महिला समिति मंच के द्वारा लालगंज थाना में प्रदेश सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल जी के द्वारा बच्चों को सुरक्षा के गुण सिखाए गए। उन्होंने बच्चों को बताया कि कोई भी अभियान के तहत जो बच्चों को भी आपने बताया तो कैसे और क्या उनके सुरक्षा के हिसाब से बताया। आज मैंने सरस्वती प्राइमरी स्कूल में सिक्स क्लासेस ट्वेल्थ तक की बच्चियों को उनकी आत्मरक्षा के बारे में बताया और जो अभी वर्तमान समय में मानव देह व्यापार चल रहा है, दुर्व्यापार चल रहा है, मानव तस्करी चल रही है, भिक्षावृत्ति से संबंधित, गुड टच बैड टच से संबंधित उनको अवगत कराया कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे और अगर कोई ऐसे आपको अननोन पर्सन भी जो मिलता है आपका उसका भी विश्वास नहीं करना है क्योंकि बच्चियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, इतनी मार्मिक होती हैं कि अगर उनको बोल देगा कोई कि आपकी माँ परेशान है, आपकी माँ बीमार, तत्काल जाने के लिए तैयार हो जाएंगी क्योंकि हृदय से बहुत सॉफ्ट होती हैं। उनकी सॉफ्टता का फ़ायदा उठा के, नरम जो उनका भाव होता है उनका फ़ायदा उठा के ये जो गैंगस्टर हैं वो उन बच्चियों को अपने माँ बाप से अलग कर देते हैं, देह व्यापार से सम्मिलित कर देते हैं। मैडम, उन्होंने बच्चियों को आपने कैसे क्या सिखाया अभी कि कैसे वो सुरक्षा में दायरे में अपना काम करें अपना वो? मैंने उनको प्रमुख चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर दिया है, 100 नंबर का दिया है कि अगर मान लीजिए कुछ आपके सामने कुछ अनहोनी होती है तो आप तत्काल 100 नंबर पर डायल करेंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर करेंगे, फ़ोन करेंगे और मेरा स्वयं का पर्सनल नंबर मैंने दिया है क्योंकि मैं लाडगंज थाना तक पोस्टेड हूँ और मैंने अपना पर्सनल नंबर भी उनको दे के रखा कि अगर आपको कोई समस्या होती तो आप उससे संपर्क करें। नाम बताइए। मैं सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल थाना लाडगंज। थाना से मैडम आई थी, उन्होंने कुछ सिखाया बच्चियों को तो क्या उन्होंने कैसे सुरक्षा करने सिखाया थोड़ा सा आपको बात? आज हमारे जगदीश मंदिर प्रांगण में श्रीमती संध्या चंदेल जी जो कि कार्यरत है लाडगंज थाना परिसर में, तो SI के पद पर वो कार्यरत है, तो उन्होंने आज जगदीश मंदिर की बच्चियों को अवगत कराने के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ उन्होंने बताए हैं उपाय कि भाई आपके साथ कोई यदि गुड टच बैड टच करता है किस तरीके से उन्होंने, तो इसके बारे में उन्होंने समझाया है और ये अपने पर्सनल नंबर भी दिए हैं उन्होंने और 100 डायल तो खैर होता ही है बच्चियों की सुरक्षा के लिए और भी सुरक्षा के लिए, और जो हमारे आसपास यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो बच्चियाँ हमसे ज़रूर संपर्क करें, तो उन्होंने अपनी पूरी अच्छी भावना से उन्होंने हमें और बच्चे इसमें अपना पूरी सुरक्षा महसूस कर रही हैं अपने आप को कि हाँ हमें मैडम ने ये चीज़ सिखाई है। मैडम, ये जो यहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से सिर्फ यहाँ पे चल रहा है कि ये पूरे मध्य प्रदेश है या पूरे भारत नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है जन जागरण अभियान के तहत, जागरूकता जो अभियान मैडम चला रही है ये सारी जगह चल रहा है। जी, नाम बताइए। जी, मैं अनुराधा सौंधिया, जागृति जी, महिला मंडल अध्यक्ष।